इस दाल फ्राई की रेसिपी काफ़ी क्विक और इजी है और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने अरहर दाल लिया है 1 कप और मूंग दाल धुली लिया है 1/2 कप। इसे मैंने 1/2 घंटा भिगा के रख दिया था। ये देखिए, दाल को उबलने के लिए डालेंगे। अरहर दाल और मूंग दाल पानी डालेंगे 2 कप। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। दाल को गलने के लिए चढ़ा देंगे 1 सीटी लगने तक। दाल मैंने पहले से भिगाई हुई है इसलिए ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। 1 सीटी आ गई है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो जाने तक इसे इसी तरह से इसमें रहने देंगे। दाल का तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए ज़ीरा 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच राई लेंगे। 1 हरी मिर्च को बीच से काट लिया है। 1 चुटकी हींग लेंगे। कुछ सूखे मसाले 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे। 1/2 चम्मच चॉप्ड गार्लिक और चॉप्ड जिंजर लेंगे। गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच और कसूरी मेथी 1/4 चम्मच। 1 मीडियम प्याज को बारीक कतर लेंगे और टमाटर लेंगे 1 मीडियम। 1 कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें घी डालेंगे। 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी जब गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और उसमें राई डालेंगे या सरसों, ज़ीरा, हींग डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। अदरक और लहसुन डालेंगे बारीक कतरा हुआ। अदरक लहसुन जब थोड़ा लाल होने लग जाए तो कटी हुई प्याज डालेंगे और गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो गई है, अब इसमें सूखे मसाले और नमक डाल देंगे। कुछ सेकंड चलाएंगे। कटी हुई टमाटर डालेंगे। टमाटर के गल जाने तक इसे भूनेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले ना। टमाटर गल गया है और मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें दाल डालेंगे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे और कसूरी मेथी डालेंगे। मिक्स करेंगे और 1 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। दाल को ढक के लो फ्लेम पे 5 मिनट पकने देंगे।
दाल को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक तरफ गैस पे कोयला रखेंगे। ऐसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। दाल तैयार हो गई है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। एक कटोरी डालेंगे, इसमें कोयला डालेंगे और उसके ऊपर घी डालेंगे। फौरन इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट। 2 मिनट बाद इसे हटा देंगे। दाल तैयार है। एक तड़का पैन गरम करेंगे, उसमें घी डालेंगे। घी जब गरम हो जाए तो उसमें लाल मिर्च डालेंगे साबुत। फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे। कश्मीरी मिर्च डालते वक्त ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए। इस लाल मिर्च के तड़के को दाल पे डालेंगे और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। दाल फ्राई तैयार है। आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं।